बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। फ्रेंड्स, क्या आपके बाल झड़ते हैं? अगर आपका आंसर हाँ में है तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको झड़ते हुए बालों का एक ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जिससे आपके बालों का झड़ना एक ही महीने के अंदर बंद हो जाएगा। अगर आपके बाल बहुत झड़ चुके हैं या फिर आपके सिर पर गंजापन आ चुका है तो भी आपको काफी फायदा मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों, बालों के झड़ने पर हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इस टेंशन से बाल और भी तेजी से झड़ने लगते हैं। दरअसल जब भी हम टेंशन लेते हैं तो उससे हमारे बालों की जड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल टूटने लगते हैं। इसीलिए आपने अक्सर ही देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं उनके बाल काफी कम होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए कई तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं। उन प्रोडक्ट्स को लगाने से भी हमारे बाल झड़ना बंद नहीं होते बल्कि झड़ना ज्यादा तेजी से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कई लोग कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि विटामिन ई, बायोटिन, विटामिन, मिनरल्स, कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं लेकिन फिर भी फायदा नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों, हमारे बालों के झड़ने के पीछे के कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी में खून की कमी है तो खून की कमी से भी हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा और आप चाहते हैं कि आपके बालों का झड़ना एक ही महीने में बंद हो जाए तो चलिए जानते हैं वो सॉल्यूशन कौन सा है। हमारे दोस्तों नजदीक एक पौधा है जिसे सदाबहार का पौधा कहते हैं। ये कैसा पौधा है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, आपको घर के नजदीक आसानी से कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। इस पौधे के ऊपर पिंक रंग के या व्हाइट कलर के फूल आते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। अगर आपको अपने बालों को झड़ने से रोकना है तो इस पौधे का इस्तेमाल करना है। इसकी सिर्फ कुछ पत्तियों को और फूलों को लेकर उसे अच्छी तरह से पीस लीजिए। अच्छी तरह से पीस कर आपको इसके अंदर से रस निकाल लेना है। ये रस आपके लिए एक अमृत का काम करेगा। इस रस को आपको अपने बालों की जड़ों में हर रोज लगाना है। लगातार एक हफ्ता आपको बस बालों की जड़ों में इस रस को लगाना है। इससे आपके बालों का झड़ना एक ही हफ्ते के अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ पूरे एक महीने अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपके गंजे सिर पर भी बाल आ सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसे बहुत लोग आजमा चुके हैं और इससे बहुत लोग फायदा भी ले चुके हैं। दोस्तों, हमारे बाल हमारी खूबसूरती में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकने के लिए ये सॉल्यूशन आपकी खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, ये पौधा बालों को झड़ने से तो रोकता ही है और भी कई बीमारियों में हमारी मदद करता है। सदाबहार का पौधा आयुर्वेद में एक औषधि है। अगर इसे एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपको कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन प्रॉब्लम दूर हो सकती है। आजकल स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से ढेरों लोग परेशान हैं। बहुत से लोगों के चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, उम्र से पहले ही रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, दाग धब्बे शुरू हो जाते हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, न जाने कितनी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जो इंसानों को झेलनी पड़ती हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो सदाबहार आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सदाबहार की पत्तियां और इसके फूलों का पेस्ट बनाकर आपको अपने चेहरे पर एज अ फेस मास्क लगाना है। हफ्ते में दो बार आपको इस तरह से फेस मास्क लगाना है और एक महीने के अंदर अंदर आपके पिंपल्स, रिंकल्स और दाग धब्बे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, चेहरे पर पिंपल्स निकलने पर बहुत लोग इस पिंपल्स को अपने नाखूनों से नोचने लगते हैं। इससे आपकी स्किन के ऊपर कई तरह से दाग धब्बे हो जाते हैं और आपकी स्किन खराब हो जाती है। कुछ लोग अपने पिंपल्स को ठीक करने के लिए कई दवाइयां भी खाते हैं। दोस्तों, दवाइयां जो पिंपल्स के लिए आप खाते हैं वो काफी गर्म होती हैं। आपके पिंपल्स को तो कुछ हद तक ठीक कर देती हैं लेकिन आपके पित्त को बढ़ा देती हैं। और क्या आपको पता है कि बॉडी में पित्त बढ़ने से कौन कौन से रोग होते हैं? दरअसल दोस्तों, आयुर्वेद में तीन दोष हैं जिसके बारे में ढेरों लोग जानते हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन दोस्तों, इन तीन दोषों के इंबैलेंस होने से कभी कभार जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो आपको पता कैसे चलेगा और पित्त दोष बढ़ने से आपको कौन सी बीमारी होती है। अगर दोस्तों आपको बाथरूम पीले रंग का आता है या आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा खाज खुजली होती है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ज्यादा पसीना आता है या आपके शरीर से बदबू आती है, तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे आपको ये पता चलता है आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। अब पित्त बढ़ने से जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो है हॉर्मोन्स की बीमारियां। हॉर्मोनल इम्बेलेंस की बीमारियां जैसे कि थायराइड और डायबिटीज, ये सिर्फ पित्त बढ़ने से होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जो आपके पित्त को बढ़ाती हैं या कुछ ऐसी डाइट खा रहे हैं जो आपके पित्त को बढ़ाती है, तो इससे आपको डायबिटीज, थायराइड हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर पिंपल्स को ठीक करना चाहते हैं तो ये दवाइयां मत खाएं, इससे आपको डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पिंपल्स को ठीक करने का सबसे बढ़िया इलाज सदाबहार है। सदाबहार की पत्तियां और इसके फूल दोनों को पीसकर इसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं। एक महीने के अंदर अंदर आपकी स्किन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपकी डायबिटीज को अगर खत्म करना चाहते हैं तो सदाबहार की दो से तीन पत्तियां सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें।
डायबिटीज दोस्तों एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आज की मेडिकल साइंस की बात करें तो वो कहती है कि डायबिटीज खत्म नहीं हो सकती। कारण है कि आपका लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं करते। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, पित्त भरने के कारण होती है। जो आजकल हम खाते हैं वो सारी चीजें एसिडिक होती हैं। जितने मिर्च मसाले हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में पित्त बढ़ाते हैं। पित्त बढ़ने से बॉडी में हार्मोन्स का इंबैलेंस होता है और डायबिटीज हो जाती है। सबसे पहले आपको ऐसी चीजें खानी हैं जो एसिडिक ना हो, एल्केलाइन हो। एल्केलाइन चीजों में सबसे बढ़िया है नारियल का पानी और सफेद पेठे का रस। इनके साथ आप अपनी डायबिटीज को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपको इंसुलिन प्रोडक्शन में मदद मिलेगी और आपकी डायबिटीज बिना दवाइयों के ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना चाहते हैं तो भी सदाबहार आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत से लोग नाम तक लेना नहीं चाहते। कुछ लोग इसे दूसरी बीमारी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी इंसान की हेल्थ के साथ साथ उसका पैसा तक खराब कर देती है। जो इंसान पूरी जिंदगी में कमाता है वो सारा ये बीमारी कुछ ही मिनटों में ले जाती है। इसीलिए दोस्तों, कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचे रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए सदाबहार आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दरअसल सदाबहार की पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं। कुछ लोग ये समझ नहीं पाते कि कैंसर क्या होता है। दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स और डेड सेल्स। अगर आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में डेड सेल्स जमा होने शुरू हो जाएं, तो ये उस ऑर्गन को खराब कर देते हैं। इसे ही हम ट्यूमर कहते हैं, इसे ही कैंसर कहते हैं। अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो ज्यादा तली हुई हैं, तो ये चीजें एक तरह से डेड हो जाती हैं, क्योंकि इस खाने के अंदर के सारे लिविंग सेल्स मर जाते हैं और इस खाने को खाने से हमारी बॉडी में डेड सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। अगर आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा चीजें कच्ची खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जो सीधी प्रकृति से आती हैं, ना कि फैक्ट्री से आती हैं, तो आपकी बॉडी हमेशा कैंसर से बची रह सकती है। इसीलिए दोस्तों, आयुर्वेद भी यही कहता है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 50% चीजें कच्ची जरूर खानी चाहिए। अगर आप अपनी डाइट में कच्ची चीजें शामिल करते हैं, जैसे कि फल, कच्ची सब्जियां, स्प्राउट्स, सैलेड, तो इन चीजों को खाने से आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको सदाबहार की 2 से 3 पत्तियों का सेवन सुबह खाली पेट करना है। ऐसा करने से भी कैंसर जैसी घातक बीमारी से आप बचे रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मोटापा बढ़ चुका है, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सदाबहार बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोग वजन को कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं, लेकिन उससे उनको फायदा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा यही समझते हैं कि हमारे ज्यादा खान पान की वजह से मोटापा आता है। दोस्तों, ज्यादा खाने से मोटापा आता है, ये चीज हर इंसान पर लागू नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी पतले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम खाते हैं फिर भी मोटे हैं। कारण है हमारी बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म रेट। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट ये डिसाइड करता है कि खाना कितनी तेजी से एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब जो लोग मोटे हैं उनका मेटाबॉलिज्म रेट कम है। मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए आपको सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है। 2 से 3 सदाबहार की पत्तियां अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, जिससे आपके पेट के अंदर की चर्बी एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। बैठे बिठाए आपका 5 से 10 किलो वजन एक महीने में सदाबहार से कम हो सकता है और लगातार 2 से 3 महीने सदाबहार की पत्तियों का सेवन करने से आपका 15 से 20 किलो वजन आसानी से कम हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से सदाबहार के जरिए आप अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे सदाबहार से हमारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति को भी मदद मिल सकती है। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।